शिवपुर की तहसील कराहल में पंचायत द्वारा नहीं की जा रही सफाई, जिसके फैसले मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां। ग्राम कराहल में समय पर सफाई ना होने से मच्छरों के काटने से मलेरिया की बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यह परेशानी को देखते हुए वार्ड 10 के मेंबर प्रतीक सिसोदिया ने पंचायत सचिव को ज्ञापन दिया, जिसमें पंचायत सचिव ने कहा कि नहीं करवाऊंगा सफाई, जाओ जो करना है करो, अधिकारियों को पैसे देता हूँ, बहुत आते हैं तेरे जैसे मेंबर। वही मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर रामगोपाल रावत और NS गॉड मलेरिया रक्षक ने बताया कि गंदे पानी उत्पन्न मच्छरों को काटने से मलेरिया और डेंगू जैसे भयानक बीमारी हो जाती है। साथ ही उपाय भी बताया कि पानी में मच्छर उत्पन्न होने से कैसे रोके। उन्होंने बताया कि पानी की ऑयल या मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, इससे बीमारी वाले मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। गंदे पानी में जो मच्छर उत्पन्न होता है उससे केवल मलेरिया नामक बीमारी होती है, जबकि जो साफ पानी में जो मच्छर पनपते हैं उससे मलेरिया और डेंगू होता है। मलेरिया एक मादा एनाफिली जो मच्छर होता है उसके माध्यम उसके काटने से फैलता है, और इसी प्रकार डेंगू, डेंगू भी साफ पानी है, जैसे पानी की टंकी है, कूलर है, उसमें जो पानी भरा रहता है तो उस पर मच्छर बैठता है, उस पर अपने अंडे देता है जी सर। अंडे के बाद उसमें लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद पूपा तैयार होता है, सुबह के बाद 10-12 दिन उसमें मच्छर बन के उड़ जाते हैं। जब वो मच्छर इन्फेक्टेड होता है जी सर, फिर अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके द्वारा डेंगू या मलेरिया होता है, तो जी उसकी जब जांच करने के बाद ही पता चलता है कि मलेरिया है या डेंगू। सर इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, अगर गंदा पानी है तो उसमें अपन क्या करना चाहिए अपन को? ऐसे गंदा पानी पास पास में भरा हुआ है या घर में स्वच्छ पानी भी है उसमें भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो अपन को क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? सावधानी रखना चाहिए सर, जैसे कि सर कोई भी जो पानी रुका हुआ है जैसे अगर उसको नहीं निकाल सकते तो उसमें मिट्टी का तेल या जला हुआ ऑयल डाल कर पानी की निकासी करें, इस प्रकार से पानी की सावधानी, और पानी की टंकी है अपन उनको ढक्कन लगा कर बंद रखें, कूलरों में जो पानी भरा रहता है उनको हर सप्ताह साफ करते रहें, तो मच्छर जनित बीमारियां नहीं होंगी। और सावधानी ही और जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि ये सभी वेक्टर जनित बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया। और जो गंदा पानी है, जो गंदी नाली है, उनको ग्राम पंचायत द्वारा साफ सफाई करवाना चाहिए, साफ सफाई होगी तो गंदे पानी मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। हमारे यहाँ कराल में जो प्लाट है उनमें कुछ पानी भरा हुआ है, उनके या तो उसमें मिट्टी डाल देना चाहिए या उसकी कहीं निकासी करना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर।